हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर छाबड़ा आज आपसे डिस्कस करूंगा अल्कोहल एडिक्शन के बारे में। फ्रेंड्स, कुछ लोग जो लगातार बहुत समय से ड्रिंक करते रहते हैं, उनको ड्रिंक की एडिक्शन हो जाती है, लत पड़ जाती है। जब वो छोड़ते हैं बहुत कमज़ोर फील करते हैं, ऐसा लगता है कि मांसपेशियों में ताकत ही ना हो और कुछ काम करने का दिल नहीं करता। ऑरिकुलर थेरेपी एक अल्टरनेटिव थेरेपी है, इसमें बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है। अगर आप वो ट्रीटमेंट देंगे, आप कुछ ही समय के ट्रीटमेंट के बाद आपसे इसी एडिक्शन खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, वो प्रोटोकॉल क्या होगा? तो फ्रेंड्स, मैं ऑरिकुलर का प्रोटोकॉल बताने से पहले कुछ बेसिक बातें डिस्कस करना चाहूँगा जो हर ट्रीटमेंट में यूज होंगी। फ्रेंड्स, हम ऐसे ऑरिकुलर सीड्स आते हैं मार्केट में, आप इन सीड्स को लगाते हैं। इन सीड्स को जिम्मी की मदद से यहाँ से सीड को उतार लेंगे और जहाँ भी लगाना है, जहाँ भी हम डिस्कस करेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ लगाना है तो इसको यहाँ ऐसे प्रेस कर देंगे, ये लग जाएगा। स्किन कलर का है, दिखता नहीं है और आमतौर पे 5-6-7 दिन आराम तक 5-6-7 दिन तक आराम से लगा रहता है। उसके बाद आप इसको बदल देंगे। आप जिस दिन बदलना है, पेशेंट को बोलना जिस दिन बदलना है, उससे पहले एक रात को इसको उतार दें और मान लो कान पे लगाया, उसको हल्की से मसाज करें, ऑयल से मसाज करें, ताकि उसका पुराना इफेक्ट खत्म हो जाए और फ्रेश सीड लगाने लायक हो जाए। फ्रेंड्स, ये था ऑरिकुलर सीड्स के बारे में। फ्रेंड्स, ऐसी एक नीडल्स भी आती हैं, ऑरिकुलर नीडल्स आती हैं, आप मार्केट से ले सकते हैं। ऑरिकुलर नीडल्स हैं, उसके अंदर इस तरह के नीडल्स निकलेंगे, इस तरह के पैकेट निकलेंगे और पैकेट में इस तरह के नीडल हैं। और आपको मैं एक नीडल निकाल के दिखाता हूं। ऐसी नीडल होती हैं, आप इसको एक शाफ्ट है, आगे नीडल लगी हुई है, आप जहां लगाना चाहें लगा सकते हैं। मान लीजिए आप यहां लगाना है, आप इसको यहां पर ऐसे लगा सकते हैं, मगर ये आप तभी लगाएंगे जब आपको इसकी का एक्सपीरियंस होगा, इसका प्रैक्टिकल आपने किया होगा या इसको सीखा होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, कोई भी प्रोटोकॉल बनाने से पहले एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, स्टैंडर्ड ट्रिक है, अगर वो आप लर्न कर लेंगे आपको सीक्वेंस याद आ जाएगा और कभी आप सीक्वेंस भूलेंगे नहीं, कोई पॉइंट स्किप नहीं होगा। अगर स्किप हो भी रहा है तो आपको फार्मूला याद करके अपने आप आ जाएगा। फ्रेंड्स, फार्मूला लॉस से बचे, LOSS लॉस। एल मीन्स लोकल पॉइंट, ओ मीन्स ऑर्गन, एस मीन्स स्पाइन पॉइंट और सेकेंड एस का मतलब सब कॉर्टेक्स। फ्रेंड्स, फिर बात आ जाती है ब्रेन, बी फॉर बचे, बी फॉर ब्रेन, सी एच मीन चक्रा, सेकेंड एच का मतलब हेलिक्स, ई फॉर एलिमेंट, फिर बचा से, से को हम बाद में लेंगे, एच मीन स्पेशल पॉइंट, ई मीन्स एक्सपीरियंस पॉइंट। ये 10 पॉइंट्स प्रोटोकॉल है। और फ्रेंड्स, ये 10 के 10 पॉइंट लगाने जरूरी नहीं है, आपको पॉइंट इसे कम भी लगाने पड़ सकते हैं, इसे ज्यादा भी लगाने पड़ सकते हैं, आपने अपनी विजडम लगानी है कि आपको कौन सा पॉइंट लगाना है। सबसे पहले लगाएंगे लोकल पॉइंट, ये ईयर का मॉडल है, मैं दिखाता हूं। लोकल पॉइंट लगाएंगे फ्रेंड्स, लोकल पॉइंट है माउथ। और फ्रेंड्स, फिर बात आती है ऑर्गन की। ऑर्गन में दो ऑर्गन खास करके, एक लिवर, एक किडनी। फ्रेंड्स, ये स्टोमक था, स्टोमक साथ ये लिवर और साथ में ये ड्यूडेनम के ऊपर किडनी। ऑफ कोर्स आप गाल ब्लैडर भी लगा सकते हैं, ये लिवर साथ गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर राइट ईयर के मॉडल में, राइट ईयर में आएगा, लेफ्ट ईयर में नहीं आएगा, राइट ईयर में लगेगा। फिर फ्रेंड्स, बात आती है स्पाइन पॉइंट्स की। लीवर का स्पाइन पॉइंट है T5, लीवर का स्पाइन पॉइंट है T5 और T10 T11 है किडनी के, ये दोनों लगा दिए। फिर फ्रेंड्स, बात आती है सबकॉर्टेक्स की, दो सबकॉर्टेक्स, डाइजेस्टिव और नर्वस सबकॉर्टेक्स दोनों लगेंगे। इनकी लोकेशन फ्रेंड्स आपको मालूम ही होगा, ये एंटीट्रैगस है, यहाँ थैलेमस था, थैलेमस जब ओवरी के बीच में आते हैं, बीच में आता है नर्वस सबकॉर्टेक्स और नर्वस सबकॉर्टेक्स और थोड़ा ऊपर आता है डाइजेस्टिव सबकॉर्टेक्स। और मैं समझता हूं एक ब्रेन के अंदर ब्रेन ही लगा देना चाहिए, ब्रेन अगर कंट्रोल हो गया तो सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। तो ये ब्रेन है, एंटीट्रैगस के नीचे यहां पर ब्रेन है, ये लगा देंगे। और चक्रा की बात करें, सोलर चक्रा, एनर्जी देने के लिए, जब भी वो नहीं ले पाता, उसको एनर्जी की कमी लगती है, एग्जॉस्ट फील होता है, कमजोर फील करता है, तो ये हमारा सोलर चक्रा 0.0 हो गया। और बात करें हेलिक्स की, तो हेलिक्स का हेलिक्स 3, ये हेलिक्स 6 था, 5, 4 और ये 3। हेलिक्स 3 का पर्पस क्या है, हमारे लीवर के एरिया को कंट्रोल करना, 3 हमारा यहां से लेके यहां तक कंट्रोल करेगा, तो लीवर के सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम सारे इसे कवर हो जाता है, तो हेलिक्स 3 लगाएंगे।
और बात करें एलिमेंट की, अर्थ एलिमेंट, जब भी कोई हैबिचुअल होता है, एडिक्ट होता है, अर्थ एलिमेंट के अंदर स्टेबिलिटी, आदमी के अंदर स्टेबिलिटी है, रिजिडिटी है कि मेरे को ड्रिंक पीना ही पीना है, रिजिडिटी खत्म को खत्म करने के लिए अर्थ एलिमेंट देते हैं। अर्थ एलिमेंट होता है हमारा रूट चक्र मीन्स सिंपथेटिक, ये हमारा सिंपथेटिक है। बात आती है स्पेशल पॉइंट की, और स्पेशल पॉइंट फ्रेंड्स है इसका ड्रंक पॉइंट। ड्रंक पॉइंट कहाँ है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन था, ये किडनी था, इसके बीच में पॉइंट है ड्रंक पॉइंट, ये पॉइंट आप देंगे। और फ्रेंड्स शेनमन, क्योंकि हमने कम करना है, शेनमन तो हम देंगे ही देंगे। फ्रेंड्स एक आते न्यूरोस्थेनिया, क्योंकि नर्व रिलेटेड इशू भी है, तो न्यूरोस्थेनिया भी देंगे। अब बात करें एक्सपीरियंस पॉइंट की, फ्रेंड्स ऐसे पेशेंट्स को यूजली एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो हम एंग्जाइटी भी देंगे। और ऐसे पेशेंट्स को जो बहुत ड्रिंक करते हैं, दो प्रॉब्लम्स यूजली होती हैं, एक एसाइटिस, उनके जब पैरों में बॉडी में पानी भर जाता है, लीवर फंक्शनिंग पुअर होने की वजह से पानी भर जाता है, अगर ऐसा हो तो ये आप अपनी विजडम के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से दे सकते हैं। एसाइटिस पॉइंट फ्रेंड्स, ये ड्यूडेनम था, ये किडनी था, रास्ते में था एसाइटिस पॉइंट। और एक पॉइंट है एब्डोमिनल डिस्टेंशन, उसके पेट में अफारा जैसी कुछ सिचुएशन हो तो आपके पॉइंट देना, अदरवाइज नहीं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से किडनी की तरफ जाएंगे तो ये नीचे हमारा है एब्डोमिनल डिस्टेंशन पॉइंट, ये अगर जरूरत हो तो आप दे सकते हैं। और फ्रेंड्स मैग्नेटिक वाटर, जब भी कोई एडिक्ट होता है उसके लिए मैग्नेटिक वाटर बहुत ही हेल्पफुल यूज होता है, और अगर आप दिन में 3 बार या 4 बार दे सकते हैं 50 ml ईच टाइम, जब भी उसको ड्रिंक की इच्छा होगी, लत होगी, इच्छा होगी, और तब ये मैग्नेटिक वाटर लेगा तो उसको कुछ हिम्मत बंधेगी। आज बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।